नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारू शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर अहम बैठक है। दोपहर 12 बजे राजस्थान कोर ग्रुप की अहम बैठक, दोपहर 3 बजे मध्य प्रदेश और तेलंगाना पर मंथन होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह अहम बैठक रखी गई है। चुनावी राज्यों में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक बुलाने की तैयारियां हो रही हैं। आज होने वाली बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आगामी चुनाव के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने की उम्मीद है। जैसे जैसे तीन राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में राजनीतिक परिदृश्य विकसित हो रहा है, बीजेपी का लक्ष्य उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है जो निकट भविष्य में उसकी कार्य योजना को आकार देंगे। इन राज्यों में अलग अलग सभाओं का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख रणनीति और चुनावी योजनाओं पर ध्यान करते हुए गहन विचार मंथन सत्र में शामिल होना है। वहीं तीन राज्यों के महत्व को देखते हुए ये बैठक बीजेपी के लिए सर्वोपरि महत्व रखती है, जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना और अपना प्रभाव बढ़ाना है। उधर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक है, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर ये अहम बैठक होगी। 15 जीआरजी कांग्रेस रूम में ये बैठक होगी, कांग्रेस वॉर रूम में ये बैठक होगी। कल होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, दिल्ली में आज अहम बैठक है कांग्रेस की, कल केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक रखी गई है। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक है, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर यह अहम बैठक रखी गई है। 15 जीआरजी कांग्रेस वॉर रूम में यह बैठक है। तो देखिए, राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस सत्ता में भी है, इस लिहाज से राजस्थान एक अहम मुद्दा माना जा रहा है कि वहां पर किस तरह की योजना बनाई जाए राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर ही, क्योंकि बैठक मानी जा रही है। तो ऐसी योजना, ऐसी रणनीति जो एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा दे, और खासकर ऐसे हालात में जब वहां पर हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो कांग्रेस के सामने चुनौतियां तो कई हैं, लेकिन ये रिवाज कई जगह पर टूटा भी है, इसलिए कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है। फिलहाल एक अहम बैठक आज कांग्रेस की होने वाली है। केंद्रीय चुनाव समिति की बात कर लें तो उसकी बैठक कल होगी, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक है। एक और बड़ी खबर राहुल गांधी के मिजोरम दौरे से जुड़ी हुई है। आज इस दौरे का दूसरा दिन है, आइजोल में कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, लुंगलेई शहर का दौरा करेंगे राहुल गांधी, कई कार्यक्रम में शामिल भी होंगे राहुल। मिजोरम दौरे पर हैं देखिए राहुल गांधी, और ऐसे में आज मिजोरम दौरे का दूसरा दिन है, आइजोल में कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। लुंगलेई शहर का दौरा करेंगे राहुल। मिजोरम में भी देखिए चुनाव होने हैं, और इस लिहाज से बेहद अहम हो जाता है राहुल गांधी का ये दौरा, क्योंकि राहुल गांधी पूर्वोत्तर के लिए अपनी जो सजगता है वो दिखाते रहे हैं और लगातार कई मंचों पर उसका जिक्र किया है। ऐसे में चुनावी राज्य मिजोरम में पहुंचे हैं राहुल गांधी, और कल पहुंचे थे जहां उन्होंने एक रोड शो भी किया था, पदयात्रा की थी, और उसके बाद आज इस दौरे का दूसरा दिन है, यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वो आइजोल में मुलाकात करेंगे। वहीं मिजोरम दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने आइजोल में 2 किलोमीटर की पदयात्रा की, साथ ही जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने जनसभा में मणिपुर का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
को मणिपुर की तुलना में इजराइल में होने वाली घटनाओं की ज्यादा चिंता है। 3 मई के बाद से हिंसा से जूझ रहा मणिपुर अब एक राज्य नहीं रहेगा बल्कि जाति के आधार पर 2 हिस्सों में बंट जाएगा। मेरे लिए ये बात हैरानी की है कि देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजराइल हमास जंग में इतनी दिलचस्पी क्यों है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है इसमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बच्चों को मार डाला गया। They attack different communities, different religions, different languages. They spread hatred, violence in the country, lack of understanding. And this is completely against the idea of India. Because the idea of India that we are used to, the idea of India that we believe in, is one that respects everybody, is affectionate to everybody, protects everybody. राजधानी दिल्ली में बारिश के चलते गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। सोमवार रात दिल्ली NCR में गरज के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते दिल्ली के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई है। दिल्ली NCR का तापमान 24 घंटे में 36.5 डिग्री से 30.5 डिग्री पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली NCR के साथ ही कई राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली NCR में बादल छाए रहेंगे, साथ ही कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में बारिश के साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। वहीं पहाड़ों पर ठंड ने दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढक चुके हैं। निचले इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढक चुके हैं। वहीं वियतनाम के हनोई पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। वियतनाम के पीएम फाम मिन चिन से मुलाकात की है। वियतनाम के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक की गई है। आपसी संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी है। वियतनाम के हनोई शहर पहुंचे विदेश मंत्री, वियतनाम के पीएम फाम मिन चिन से मुलाकात की है। कारोबार, ऊर्जा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर देखिए बातचीत हुई है। हिंद प्रशांत महासागर में चीन की आक्रामकता बढ़ गई है। चीन के आक्रामक व्यवहार पर खास तौर से चर्चा की गई है। कई और खास मुद्दों को लेकर पीएम फार्म से चर्चा की गई है। 4 दिनों तक वियतनाम दौरे पर रहेंगे एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम के हनोई पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वियतनाम के पीएम फार्म मिन चिन से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कारोबार, ऊर्जा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की। साथ ही हिंद प्रशांत महासागर में बढ़ी चीन की आक्रामकता के मुद्दे को लेकर वियतनामी पीएम के साथ खास तौर पर चर्चा हुई है। एस जयशंकर 4 दिनों तक वियतनाम के दौरे पर रहेंगे। वहीं दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह विज्ञान भवन में समारोह का आयोजन किया गया। पुरस्कार से सम्मानित करेंगी
बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे। 1000 करोड़ की योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। टीपी नगर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है और सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं 30,000 महिलाएं। महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है बुलंदशहर में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। आज बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे और 1000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास यहां से किया जाएगा। क्योंकि महिला सम्मेलन है तो इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 30,000 महिलाएं शामिल होंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे। 1000 करोड़ की योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर के दौरे पर हैं और यहां पर वो महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगे, साथ ही 1000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। सम्मेलन में सीएम योगी शामिल होंगे और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि लगभग 30,000 महिलाएं शामिल होंगी। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है, अधिकारी पहुंच भी रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। देश में पिछले 2 दिनों से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर सियासत गर्मा गई है। वजह है लोकसभा में उनके सरकार से पूछे गए प्रश्न। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर शिकायत दी। निशिकांत दुबे ने अपने इस लेटर में दावा किया है कि मुंबई के एक बिजनेसमैन के कहने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल पूछे, इसके लिए उन्हें कैश और गिफ्ट्स दिए गए हैं। इस आरोप के बाद बीजेपी सांसद ने इस मामले में एक जांच कमेटी बनाने और जांच पूरी ना होने तक महुआ को लोकसभा की सदस्यता से सस्पेंड करने की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संसद में खूब बोलते हैं, अपनी सरकार का दमदार तरीके से पक्ष भी रखते हैं, विरोधियों को जमकर घेरते हैं और अब उनके निशाने पर है टीएमसी की फायर ब्रांड नेता और बंगाल के कृष्णनगर से सांसद महुआ मोइत्रा। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा ने एक बड़े कारोबारी दर्शक हीरा नंदानी से संसद में सवाल पूछने के लिए लाखों की रकम और उपहार लिया। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर मामले की जाँच की मांग की है और टीएमसी सांसद के तुरंत निलंबन की बात कही है। इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर लिखा कि 11 सांसद को इसी भारतीय संसद ने प्रश्न पैसे लेने के कारण सदस्यता रद्द कर दिया था। आज भी चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। एक व्यापारी खराब लेकिन दूसरे व्यापारियों से 35 जोड़ी जूते, श्रीमती मार्कोस की आत्मा की तरह हरमेस, एलवी, मूची का बैग, पर्स, कपड़े, नकद हवाला से पैसे नहीं चलेंगे, सदस्यता तो जाएगी, इंतजार करिए। निशिकांत दुबे के इल्जाम बेहद संगीन है। पलटवार की शक्ल में जवाब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से भी आया। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, अगर अदानी समूह मुझे चुप कराने या नीचे गिरने के लिए संदिग्ध संधियों द्वारा बनाए गए और फर्जी डिग्री वालों के जरिए प्रसारित संदिग्ध डोजियर पर भरोसा कर रहा है तो मैं उन्हें सलाह दूंगी कि वो अपना समय बर्बाद ना करें, अपने वकीलों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। महुआ मोइत्रा ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अपील की है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ फर्जी दस्तावेज पेश किए जाने की जांच करें और फिर कमेटी बनाएं। दरअसल झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने ओम बिरला के लिखे पत्र में एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि महुआ मोइत्रा के हालिया 61 सवालों में से 50 सवालों में कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों की रक्षा करने या उन्हें बनाए रखने के इरादे से आश्चर्यजनक रूप से जानकारी मांगी गई। निशिकांत दुबे के सनसनीखेज आरोपों और महुआ मोइत्रा के पलटवार की पटरी पर सियासी तकरार की रेलगाड़ी सरपट तोड़ने लगी है। निशिकांत जी,
पार्लियामेंट्रियन अवार्डेड पार्लियामेंट्रियन है और वो जब खड़े होते हैं तथ्यों के साथ खड़े होते हैं और उनकी विश्वसनीयता है पार्लियामेंट में। अगर पत्र लिखा है तो उनके प्रीवियस विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता है। अडानी ग्रुप के ऊपर जो या किसी उद्योगपति के ऊपर अगर कोई प्रश्न पूछता है तो बीजेपी के पेट में बहुत दर्द होता है, फिर अनाप शनाप आरोप कर लेते हैं। मोवा मोइत्रा सांसद है टीएमसी, बहुत ही जुझारू नेता है टीएमसी, पूरे देश में उनका नाम है, लड़ने वाली महिला है, नेता है, उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश है। लेकिन मैं मोवा जी को पहचानता हूँ, ऐसे आरोप से वो पीछे हटने वाली नहीं है। सबको बदनाम करते हैं लोग, ये लोगों का बदनामी करने का कारखाना लगा है, फैक्ट्री लगी है, हमारे ऊपर भी आरोप होते हैं, सबके ऊपर आरोप कर रहे हैं लोग। आप देखो कितने दूध के धूले हैं, आप किसे पैसे से आपकी पार्टी, हाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला आ रहा है सामने, पीएम केयर फंड के बारे में बोले आप, हाँ राहुल गांधी ने जो आपसे 10 सवाल पूछे हैं पैसे के लेन देन के बारे में आपके पार्टी को, आप उसको उसका जवाब दीजिए। जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके आप अपने अपोजिशन को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं इस प्रकार के गंदे आरोप करके, लेकिन उसे फायदा नहीं होगा। 2024 में आप सत्ता पर नहीं आ रहे हैं और इंडिया अलायंस सत्ता पे आ रही है। साल 2024 के चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। टीएमसी और इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़े करने की इस कोशिश पर दोनों पक्षों की दलील अब लोकसभा स्पीकर के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।